हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से। ट्रेन टिकट क्लर्क मतलब कि TTE की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। तो TTE की जो रिक्रूटमेंट होती है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए होती है। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू इसको कंडक्ट कराया जाता है। ग्रुप सी की पोस्ट होती है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हो, चाहते हो कि रेलवे में टिकट क्लर्क की ड्यूटी करो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में मैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज की लिमिट क्या डिमांड है, कब फॉर्म आएगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सारा कुछ बताऊंगी। तो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, फटाफट से इसकी डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि रेलवे में TTE की रिक्रूटमेंट आने वाली है। ये रिक्रूटमेंट डायरेक्टली TTE के लिए नहीं आती है, ये आएगा आपका RRB NTPC लेवल 2 और 3, जो आप देख पा रहे होंगे अभी RRB के एग्जाम कैलेंडर में, उसके तहत ये रिक्रूटमेंट कराया जाएगा। अप्लाई की डेट की अगर बात करें तो जुलाई 2024 में आपका अप्लाई होगा फॉर्म, ऐसा जो ऑफिशियल कैलेंडर आया है उसमें मेंशन किया गया है। फॉर्म की जो फी होती है ना, जनरल ओबीसी EWS से 500 रुपीज लिया जाता है। वहीं पर अगर SC ST कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल पर्सन, उनसे यहाँ पर 250 रुपीज लिया जाएगा। और ये पैसा रिफंडेबल होता है। जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे तो उनका 500 में से 400 रुपए, और जो 250 पेमेंट करेंगे उनका 250 का 250 वापस आ जाएगा अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो उनका रिफंड होगा। जो एग्जाम नहीं देंगे उनका पैसा वापस नहीं आएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज ऑन 1 जुलाई 2024 आपका एज कैलकुलेट होगा, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 18 से 30 वर्ष एज है। ओबीसी के लिए छूट मिलता है 3 साल का और SC ST को 5 ईयर्स का। और जैसा आपको पता है, बहुत अच्छी खुशखबरी आई है कि सारे कैंडिडेट्स को एडिशनल 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन रेलवे इस बार की वैकेंसी में देगी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं 18 से 30 वर्ष जनरल और जो ओबीसी वगैरह के लिए, यहाँ पर 3 वर्ष से 6 वर्ष हो जाएगा। 18 से 30 वर्ष जनरल का है तो 18 से 33 वर्ष जनरल का हो जाएगा। SC ST को 5 वर्ष का तो मिलता ही था छूट, उसके साथ 3 वर्ष और मतलब 8 वर्ष का छूट मिलेगा। आई होप कि रिलैक्सेशन की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि इसके साथ और कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आएगी। पहला तो मैंने आपको बताया कि ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क CCTC का यहाँ पर है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, मतलब 5 पोस्ट का रिक्रूटमेंट इस भर्ती जो लेवल 2-3 है उसके अकॉर्डिंग कराई जाएगी। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी बहुत सिंपल है, 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ये सभी रहेगा जो भी ये 5 पोस्ट है। तो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड से अगर आपने 12th पास कर रखा है, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। आपका सिलेक्शन 5 स्टेज से गुजरने के बाद होगा। पहले स्टेज पर CBT 1 मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा फर्स्ट होगा, उसके बाद फिर सेकेंड एग्जाम होगा, उसमें क्वालिफाई करोगे तो पोस्ट वाइज देखिए जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए उसके लिए टाइपिंग होगा, उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, तब आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। और ये जो वैकेंसी निकलती है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के लिए भी होता है, तो जिस जोन से आप अप्लाई करोगे वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है और एग्जाम सेंटर भी वही देता है, तो इसको ध्यान में रख के ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में होगा आपका 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए CBT 1 में पूछा जाएगा, और आपका समय रहेगा 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का रहेगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान दीजिएगा 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन। तो आपको पता है कि रेलवे का जो भी एग्जाम होता है उसमें जो मोस्ट जो यहाँ पर वेटेज होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है। इसमें आप साइंस को भी कंबाइन करके पढ़िएगा,
और रीजनिंग और मैथ, और सबसे अच्छी बात है कि जिनका इंग्लिश वीक है उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें इंग्लिश से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है। जब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे तो क्या होगा, सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। तो 120 क्वेश्चन आपका रहेगा सीबीटी 2 में, 120 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क। टाइम विल बी 90 मिनट, मतलब डेढ़ घंटे का ये भी पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इसमें रीजनिंग से 35 प्रश्न है, मैथ से 35 प्रश्न है, और जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न है। देखिए सीबीटी 2 में भी आपका सबसे ज्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस का ही रहेगा। और जब इन दोनों को क्वालिफाई करोगे तो आपका पोस्ट वाइज है कि किसी पोस्ट में टाइपिंग है, बाकी पोस्ट का डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका जो है मेडिकल होता है सिंपल सा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, और ऑलरेडी बता दिया कि जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, जिस जोन के लिए अप्लाई करते हो अगर वहां का आप कट ऑफ पार करते हो तो वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग होगी तो सैलरी क्या मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी विल बी 36,000, मतलब 36,000 रुपए से शुरुआत होगी। आफ्टर पर्स अलाउंसेस 52,000 की सैलरी हो जाएगी। और आपके दिमाग में आ रहा हो कि टोटल कितना पोस्ट आने वाला है, देखिए ये पांच पोस्ट को मिलाकर अगर देखें तो टोटल सीट आपका 20,000 के अप्रॉक्स आने वाला है। जुलाई में आएगा तो समय भी अब ज्यादा नहीं है, और जो कुछ भी मैंने आपको डिटेल बताया है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट करिएगा। और आई होप कि सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो गई। कहीं पे मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज इससे रिलेटेड जो एग्जाम कैलेंडर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।